हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे मित्रों, यही शुभाशीष मैं आपको प्रातःकाल देती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रही हूँ कि यदि किसी भी प्रकार की नज़र, बाधा, टोक, गरीबी, वो सब दबे पांव लौट जाएगी। बस दरवाजे की चौखट पर आपको ये काम करना है। मित्रों, छोटे छोटे ऐसे उपाय होते हैं जो आपके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आज का उपाय ऐसा ही है। ये जो सामग्री मैं आपको बता रही हूँ, ये पंसारी की दुकान पे बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती है। पहले इसका एक तरीका जो आपको बता रही हूँ वो आप समझ लीजिए। आपको लेना है एक कोरा कागज़, सफ़ेद रंग का। उस कागज़ पर आपको काले रंग के पेन से क्रॉस बना लेना है। उसके ऊपर आपको इस चीज़ को रखना है और इसको अपने दरवाजे की जो चौखट है उस पर आपको बर्न करना है। दरवाजे की चौखट के बाहर कर सकते हैं, लेकिन अंदर भूल कर भी ना करें। जो आपका मुख्य द्वार है, जहाँ से आप एंटर होते हो, एक तो गेट होता है मेन गेट, उसकी बात नहीं कर रहे आप, कंस्ट्रक्टेड एरिया जो आपका है, कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है और जहाँ आपका मेन डोर है, उसकी चौखट पर आपको ये प्रक्रिया करनी है। और ये काम आपको करना है मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन। और ये आप रेगुलर करते रहिएगा, इससे कभी भी किसी प्रकार की बाधा आपकी चौखट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी और बाहर से ही दबे पांव चली जाएगी। इसके अलावा ये धन को बढ़ाने वाला भी काम है। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं और घर में अपार पैसा आता है। तो जान लेते हैं ये चीज़ कौन सी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं जावित्री, जो कि गर्म मसाले का एक अहम हिस्सा है। गरम मसाले की कई चीज़ें, लौंग, काली मिर्च के, तेज पत्ते के प्रयोग आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है जावित्री का। और इसकी आप पोटली भी बनाकर अपनी घर की जो चौखट है और चौखट से सीधी में ऊपर की साइड में दरवाजे पर आप पोटली बना के भी इसको लटका सकते हैं। इसके अलावा चौखट के दाएँ बाएँ दो गमले रख दें, कोई भी प्लांट, डेकोरेटिव प्लांट रख दें, और उस प्लांट में तीन तीन जावित्री रख दें परमानेंटली, तो आपके घर की चौखट से ही दुख लौट जाएगा दबे पांव और कभी भी कोई परेशानी आपके घर में नहीं आएगी। इतनी पॉजिटिव होती है ये जावित्री। तो इस तरह से आज मैंने आपको जावित्री के एकदम नवीन प्रयोग बताए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है।